ये रात को लाइट किसने भगा दी? अरे वो ना कोई गैंगस्टर लगता है, उससे पूछता हूँ। भाई साहब आपको पता है लाइट किसने भगा दी? चुप कर, मैं तुझे मार डालूंगा। बेटा अभी मेरा पता नहीं, तेरा बहुत पता है। साफ साफ बता। मुझे नहीं पता, तुम जाके टिप्सन से पूछो। हेलो भाई साहब, आपको पता है टिप्सन कौन है? नहीं नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं टिप्सन हूँ। अच्छा आप ही टिप्सन हो? हाँ। ये हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, अब बताओ ना क्या करें अब। एक ही फायदा है, उधर साइकिल में जाके स्टार्ट को क्लिक कर दो। आ जा इधर आ जा, मुझको ही जोर से उड़ा जा। आ जा इधर आ जा। पहले तो तुम इतने ढंग के कपड़े पहनो, उसके लिए तो मुझे पार्टनर प्रोग्राम चाहिए होगा ना। हाँ तुम ले जाओ, उधर एक कार भी दो तीन खड़ी होगी। पहले तुम जाके बंदों को मारो, उसके बाद में एक कार, बहुत सारी पार्किंग है उधर, उधर में एक कार खड़ी होगी, उधर से कार लेके भग लेना और जाके कसीनो में जाकर उधर से अपना पार्टनर प्रोग्राम ले लेना। तू तो गया बेटे, तू तो गया। बॉस तो अपन ने खेला है फ्री फायर जिस दुनिया में, तो कोई समझ नहीं आया मुझे, कोई ढंग की वेपन दो। चलो अपन चलते हैं। वो क्या है? टिप्सन से जाके पूछना पड़ेगा। सुनो टिप्सन। हाँ बोलो। उधर देखो। हाँ उधर एक मॉन्स्टर है, जल्दी जाओ उधर। मेरे पास तो कोई व्हीकल नहीं है। तो ऐसा करो, मैं तुम्हें अनलिमिटेड पैसा देता हूँ, उससे तुम एक व्हीकल लो। वैसे मैंने तुम्हारे स्टोर पे व्हीकल्स आए अनलिमिटेड कर दिए हैं। और एक न्यू ड्रेस खरीद लो, योद्धा ड्रेस। मैंने तुम्हारे तीन ड्रेस खरीद के दे दिए, उनमें से कोई भी एक योद्धा ड्रेस बना के जाओ। ठीक है देख। समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है। चलो मैं आ जाता हूँ, मुझे एक कुछ ढंग की चीज भी चाहिए होगी। मैं एक ये ले लेता हूँ और एक बस यही ले लेता हूँ। और मेरे को चाहिए कपड़े। उसने कहा था कुछ था, कहाँ गया। ये दिला, मैं ये पहनूंगा। बोलते ये क्या है? कोचिंग आना खोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो मैं अपने देख हाया भूसा। ये बाइक भी अच्छी है, पर अपन अभी जा रहे मिशन में, तो अपन लेके जाएंगे अपनी स्पेशल बाइक। ब्लैक पे ब्लैक, ब्लैक काला 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 काला, ब्लैक पे ब्लैक, ब्लैक काला 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 काला। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही घुमाऊंगा। वाह आ जा आज तो है मुझको वो है तुम्हें ही बता, ये मुझको ही आगे नहीं आता। ओ पियो, अगर तुम्हें आता नहीं था तो तुमने कहा कहाँ पर है वो? आगे कहाँ है वो? मेरे को कहीं से जाना पड़ेगा। ओ पियो ऐसा कर, तो तुमने मैं अपनी सुपर पावर दे देता हूँ। तुम में क्या सुपर पावर है टिप्सन के बच्चे? मैं है एक सुपर पावर, मैं क्या कहूँ? अब तुम वो फेंक सकते हो जहाँ पर जाए, अपनी बाइक को पक उतार उतर बाइक से उधर जाओ, रो फेंको। वाह मैं तो रो फिर बन गया। अब से तुम्हारी पावर है, इसको ध्यान से यूज करना। पर अभी भी मेरे को वो रेड लाइट नहीं दिख रही, कहाँ गई वो रेड लाइट? मुझे नहीं पता। ऐसे करते करते वो ऊपर चला गया, पर फिर भी उसे वो नहीं मिला। तो उसने सोचा कि टिप्सन के पैसों का कुछ
टिप्सन के पैसे पानी में जाने दूँ, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त नहीं थे तब, तो इसलिए वो गया। और एक खुद के नाम पे कॉलेज खरीद के ले आया उसने, इतने पैसे खर्च करे जिसकी हद नहीं। और उसको पता चल गया था कि उसको पार्टनर प्रोग्राम टिप्सन के हाथों से मिल चुका है, इसलिए उसने कोई भी दया ना करके टिप्सन के पैसे हराम कर दिए। ऐसे करते करते उसने सारी की सारी जगह ले ली, हराम ली। और फिर उसको रोड पे मिली एक मिनी माइस का खतरनाक वाली, उसने उस कार के ड्राइवर को बाहर फेंकवाया, यानी उसके ऊपर अंदर अंदर बाहर जहाँ पर आप सोचो वहाँ पर स्पिन करवाया। उस पिन से जो निकलता वो गोल्ड गन निकलता, उस गन से वो मारता। और उस पिन के लिए उसको वीडियो देखनी पड़ी, इसलिए उसने वीडियो देखी और तो उसको स्टॉप करा। उसके अंदर से कोई भी वेपन ना निकल कर एक छोटी सी चीज निकल गई जिसका नाम है, वो गुस्सा आ गया। फिर उसने अपनी मिनी गन निकाल दी, टूट हो गया। तब उसके पीछे पुलिस पड़ गई, तो उधर उसने सोचा कोई बंदा है, तो उधर एक लड़की थी, उसने ना चाहते हुए उसके सिर पर उसको मारने वाला, तो वो भग रही थी। रुको रुको, तुम क्यों मार रहे हो मुझे? निकल यहाँ से, किसने कहा था इधर आने को? टूट हो गया किसने दादा, मुझे एक नई पावर दो। तुम्हें कौन सी पावर चाहिए? किसने दादा मुझे कोई ऐसी पावर दो, वो टाइम the monster for follow. Oh my god, ye kya hai? You see your hands. Hold it right there. Chalo, tum log jaldi se laao to. Tum log to bas. Tab isne kuch na soch kar ek khatora nikal kar bhag liya. और उसको ये नहीं पता था कि वो थॉर नहीं है, इसलिए वो भगते गया उसने अपनी सारी पावर यूज़ करके एक उस पुलिस वाले को मारने की सोची। पर पुलिस वाला मरने से टिप्सन को आ गया गुस्सा, तो टिप्सन ने उसको नया थॉर का हथौड़ा दे दिया। तो उसने उसको इतना मारा एक लड़की को जो एजेंट थी। उसके बाद दूर भाग गया। अबे भागो, बग 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 बच्चे बग, बग 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 बच्चे बग, बग कभी तुमने याद दिलाया, बग कभी तुमने याद दिलाया। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय माय सॉन्ग। उसने शॉट गन निकाली, रोप ने पहले दिन इतने काम कर दिए थे कि अब पुलिस वाले सोच भी नहीं पाए थे। उसने पूरे के पूरे अपने साथ तीन दिन में एक ही दिन में स्टार पहुंचा दिए। और उसके पास थी मिनी गन, उस गन को सोचते ही उन लोगों की बच गई हालत हो गई खराब। उसने एक डजर्ती गन निकाली और नीचे गिरते गिरते उसने दो गोलियां चलाकर मारने की कोशिश करी, तो वो मार नहीं पाया था। पर गोली नहीं है इसलिए भग रहा है, नहीं देखते गिरते पीछे पीछे चल।
भगया से। उसके स्टार चल नहीं गए थे कि उसने वापस वैसे किया। वो आगे गुस्सा वो एकदम कूदा और उसने अपनी रो फेंक दी। वो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। चलो अब आपका देखिए, वो तीर भगता गया भगता गया भगता गया भगता गया। उसने हार नहीं मानी, पर वो जब जा रहा था उसे याद आया उसको पार्टनर प्रोग्राम चाहिए, इसलिए उसने किसी की काई चोरने का चोरी करने का फैसला लिया। उसको याद आ गया, डरावनी कहानी सुनोगे, कहानियों का मजा देखने में नहीं सुनने में है। उसने वो वीडियो आधी देख के उसको क्रॉस मार्क कर दिया। पर उसको जब आ गया गुस्सा तो उसने एक और नई पिस्टल ले ली टॉय बुल नाम की। उसने नए कपड़े पहन लिए लाइक, उसको पता था कि उसके पास बहुत पैसा आ ही चुका है, तो उसने एक न्यू चाइनीज के कपड़े पहन लिए। उसके बाद उसने एक बाइक खरीदी जिससे वो जा रहा था, 5,000 की बाइक उसने सोचा लोकल होगी। जब उसने वो चलाया तो उसको लगा अब से ये मेरी पर्सनल बाइक है और इस बाइक का नाम है रोक फिरो बाइक। ऐसे करते करते और गिर गया, तभी उसको याद आया। सुनिए क्या याद है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे को कसीनो जाना है, मैं इधर भी जा रहा हूँ। चलो जाता हूँ मैं अपने दोस्त के घर, दोस्त के घर कहाँ गए मेरे दोस्त, कहाँ पर है मेरा दोस्त तो पुराना था ना लीवा, उसको याद है उसके ग्राफिक्स तो बहुत ख़राब है, इसलिए जब वो अपने ग्राफिक्स चेंज करने गया उसने देखा तो उसको अल्ट्रा करना था, तो उसने अल्ट्रा कर दिया। और उसके बाद उसकी कार जो है हमारे रोपियो बाइक उस पर आई ना भगना, उसने चल बेकार उसके ऊपर से कूद गया और फवाई को ठोकर मारते सारे में जा ही रहा था, फिर तभी उधर पुलिस वाला दिखा, तो पुलिस वाला बोला जिसने के बिना ही वो भग गया, इसलिए वो तेज भगता गया और अपने घर जाने लगा। उसको याद आया कि मेरे पास गन नहीं है, इसलिए उसको कसीनो जाना वापस पड़ा। वो बाबा भूल जाता कि मुझे कसीनो जाना, इसलिए वो कसीनो जाने लगा। उसकी स्पीड देखकर उसने बहुत अनदेखा कर दिया उसको, पर उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी ये आप लोग उसको नहीं देख सकते। उस बाइक का नाम था टेसा और उस बाइक का नाम रख दिया उसने रोपियो बाइक। उधर उसने जब देखा तो टिप्सन का उसको कॉल आया था, टंग टंग टा 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 तंग तंग तकान मैं तुमको ही तो राग उसने कट करी स्वेत को और जो स्पिन आया तो उसने स्पिन को भी रोक दिया, स्टॉप का बटन ही नहीं आया उधर। उसे एक डांस गन मिली, उसने उसको एक्सेप्ट करके नॉट आउट कर दिया और टिप्सन का कॉल आते उसने टिप्सन को कॉल उठाया। हेलो टिप्सन, हाँ बोल छोटे, तुम्हें एक बात बताऊँ? बताओ। वो उधर तुम्हें मैंने बता दिया तुम्हें कसीनो तो जाने, पर तुम्हें मैंने एक चीज़ नहीं बताई। क्या नहीं बताई? कि उधर कसीनो में उधर लोग है। हाँ तो क्या हुआ, कसीनो में तो लोग हो गए ही ना, एक ही चीज़ है उधर जाओ और उन लोगों को मारो, वो काउंटरिस्ट है, वो अभी लंच पे गई होगी शायद, लंच पे ना हो तो उससे मांग लेना, अगर लंच में गई हो तो सारे लोगों को मार देना, ठीक है? ये मेरे छोटा ही काम है। उसने उस रोपियो बाइक को अपनी पार्किंग में लगा दिया, पर उसको पता नहीं था कि उस शहर में बहुत सारे चोर है, इसलिए उसको जब उसके बारे में पता चला टिप्सन ने उसको पहले ही बता दिया था, उसने उसको घुमा फिरा के दूसरी जगह पे रखने ही चाहती थी, वो गिर गया। अब एक सॉन्ग लग गया, गजब बेइज्जती गजब बेइज्जती गजब बेइज्जती।
सुपर बॉय, ये सब मुझे सुनाई दे रहा है आपको भी? कौन सा सॉन्ग? गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, शायद तुम्हारे कान बजे। उसको आ गया गुस्सा कि वो चला आया था, चल नहीं आता। उसने बोला शैतान निकलने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? ओह माय गॉड, तब उसकी बाइक नीचे गिर गई। तो उसने बोला अब बाद में ले लूँगा मैं बाइक, नहीं ले लूँगा मैं बाइक। उधर से एक पैकेज आया था, तो उसने वो कूदा और उसने देखा तो वो गंदा पैकेज नहीं था, वो था पैकेज फाइनली जिस चीज़ का उसको 10 सालों से इंतजार था। और उसने देखा तो उधर एक विलन है, तो उसने गया उधर की साइड, जाने वाला था कि उसको याद है अभी विलन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने उसने हथौड़ा मारा और टूट गया, उसने हथौड़ा रखा और वो नीचे कूद गया, टूट के कूद गया। ये क्या शहरी बनी? वो कसिनो के अंदर एंटर हो गया और उसकी जो जंप थी वो एक चीज पे वही मस्त चल रही थी। वो चोर था, उस चोर को पकड़ने के चक्कर में देखो क्या कैसीनो में वो एक बहुत अच्छी फेमस हो गई थी, यूरोपियो देखने लगे। तो उसको भूल गया था कि वो आया, तो उसको वापस टिप्सन का कॉल है, पंग पंग पाना पाना, टिप्सन का कॉल है, टिप्सन का कॉल। उधर कुछ सारे लोग चले गए थे, बस 2-3 लोग थे। उसको उसने जानबूझकर मिनीगन निकाली और उसके बाद उनके सिर में गोल गया गुस्सा आ गया। उसे इतना गुस्सा आ गया कि जो पर उसको पार्टनर प्रोग्राम देने वाला है उसके साथ ही बोलते बोलते ठीक आ गई सॉरी, और सारे लोगों ने एक ही चीज़ का इससे ज़्यादा पावरफुल इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसने पुलिस को भी हरा दिया और वो लोग जो उधर देख रहे थे उसको, उनको देख कर रोपियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसको तब याद आया कि उसके पास एक राइफल है। तू मारेगा मुझे, तेरी हिम्मत ही नहीं है, तेरी हिम्मत हो ना मारेगा। जिस लड़की के साथ वो आए थे उसके पास एक टूटी कोई भी नहीं थी, पर जो दूसरा था उसके पास थी, हमें 9 में की गन पिस्टल मिल गई। और एक लड़की थी जो मैंने पूछा आप कौन हो, तो उसने बताया कि मैं काउंटर का काउंटर इस्ट। तो मैंने बोला कि मेरे को पार्टनर प्रोग्राम चाहिए, तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है, आपको किसने भेजा? तो मैंने बताया कि मुझे टिप्सन ने भेजा। उसने बोला टिप्सन मेरा पुराना दोस्त, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, पहले इधर से मैं तुम्हें दे देती हूँ, ये लो पार्टनर प्रोग्राम तुम्हें मिल चुका है। टिप्सन ने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर सकता हूँ, क्या कर सकते तुम्हें बाद में बता। जो से हथौड़ा मारने को भूत हो गई, तभी उसका पता नहीं दिमाग में क्या हो गया था कि वो मारने लगा, लोगों को मारने लगा। फिर उसने अपनी शॉटगन निकाल दी, ये उपलब्ध इसमें नहीं था, ये तो क्लाइमेक्स में नहीं था। उन्हें सबको मारते गए, तब उसका मन किया उसको जूस पीना है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे पास अभी करोड़ डायमंड है और मैं उसी उसने बोला मुझे कॉकटेल दो, तो उसने उसको कॉकटेल दिया, उसने आराम से उस कॉकटेल को पिया। उधर लोग उस किसी को मार रहे थे, पता चला तो वो रोपियो को ही मार रहे थे।
तूने मुझे मारा वो आगे गुस्सा उसने धीरे करके सबको मारने लग गया। उधर क्योंकि गैंगस्टर आते थे उसने सबको मारने लग गया। आ गया गुस्सा, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने फाइनली अपनी देसी कत्ता निकाल दी। ओ माय देसी कत्ता, कत्ते में आ गई देसी, क्योंकि वो भी एक प्लेन से आया था जिसमें वो फ्यूचर में गया था, वो अपने फ्यूचर में आया था क्योंकि उस टाइम पे स्थिति उसके पापा की बनाई थी। उसके पापा ने एक टाइम मशीन बनाई थी जिसकी वजह से वो इधर आ गया था, इसलिए उसको उन गोलियों को ज़्यादा कुछ असर नहीं होता था। और तभी उसके पास बहुत ज़्यादा गन्स भी थी, जाने मन। उसको इतना मजे आया कि उसने सॉन्ग गाने लग गया। और उधर एक लड़की थी जो अंधे का करके टक्कर दी थी और उसको रोके ने मार दिया। तो बहुत सारे लोग थे पर रोके को तो अलग सूझा, उन्होंने सबको मार दिया। एक लड़की को उसने बोला इधर आ नहीं तो मार डालूंगा, वो तब भाग गई। तब रोके को इतना गुस्सा आया कि उसने उसको भी मार दिया। आप सोचोगे इसमें क्लाइमेक्स क्या था। उसके बाद उसने अपनी उस लड़की को जला भी तो दिया था, और फिर वो सोचा अब कॉकटेल किसके हाथ से पिएगा, कॉकटेल कौन बना के देगा। तब उसने सोचा पी देता हूँ अनादर कॉकटेल। कॉल ने अजना आ गया, वो उसको मन किया उसको भी जीने क्यों दूँ, जब सबको मार रहा हूँ तो उसको भी मार ही देता हूँ। तब उसकी नज़र गई पीछे एक मिस्टर थंडर कार पे। उसने सोचा कि वो गाल तो मेरे पास भी है, पर उसने सोचा उस कार का क्लाइमेक्स ही लोहे का है। देखो बाद में वो भग गया, उसको इतना गुस्सा आया जिसकी हद नहीं। इतनी तोड़ फोड़ की सारे के सारे पास मिनी गन से फोड़ने की कोशिश करी, और उसको क्या पता था वो बुलेट प्रूफ है, इसलिए उसकी लोल हो गई। दोस्तों आज की वीडियो में से देखता है, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैंने आपको आज बता दी रो पियो की पूरी स्टोरी, और ये लड़की कहाँ से बच गई, ये रो पियो गया था मैंने, ये रो पियो ने उसकी आँख मारने की कोशिश करी तो तब उधर स्पिन आ गया। उसने स्पिन को रोका जल्दी रोका, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक बार रुकने का नाम लिया तो हमने रोक दिया, और अपन को हमें मिली 1-2 हज़ार रुपये की पैसे की बारात। क्लाइम वॉक करने से तो अच्छा है, मैं उसको खो ही देता। पीस ब्रेकर उधर आया, रोपियो ने सोचा कि उधर कोई और भी है, तो उसने क्या किया अपनी अपनी लिए उसने
और उसने तब उसको दूर से ही मार दिया था और वो डांस करने बैठ गया। ये हमारी कार है, यह हमें और हमारी पाई हुई है, पाई हुई है बस उसने लगा कि वो खुद ही मर गया। मर गई तो उसको आ गया मजे, फिर उसने किया मजे, यह हमारी पाई हुई है, पाई हुई है, पाई हुई है, पाई हो गया। गाना बंद करना, मुझे गाना कौन बजा रहा है? अच्छा वो बुद्धे चाचा बचाया है। देखो भेज पसंद है, आ गया तुम का पिल पिल पिले ले 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 टिप्सन, उधर दो लड़का और लड़की और मिले हाँ, मेरे को उसको जल्दी मारना पड़ेगा। तुम पहले वो लड़की को मारो नहीं तो वो भाग लेगा। मैंने लड़की को मारना किसी की नहीं सुनता और अभी तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। उसको आगे गुस्सा, उसने लड़की के सेवे उसकी जोर से गोली मारी और तभी वो उठ गई। इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो भागेगी तो वो तो मरेगी मरेगी, क्योंकि रोपे को कोई नहीं पकड़ सकता। इसने रोपे ने उधर इतनी तेज दौड़ लगाई जिसकी हद नहीं थी, वो इतनी तेज तो बहुत तेज बदन दबाने भाग गया था, ऐसे वो देखे कितनी तेज भाग गया था। इसलिए उसको सबको पता चल गया कि रोपे कितना तेज भागता है। सारे पाई लोग उसको कहने लगे और उसने बोला रो पियो रो पियो रो पियो रो पियो रो पियो को इतने मजे आए कि उसने जितनी भी दुनिया थी सबको बोला अब से तुम सबको मैं बचाऊंगा। अगर मेरे अलावा किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश करी तो समझ लो इस दुनिया में नहीं आएगा। उसने एक नई ब्लास्टर नाम की एक गन खरीदी और एक न्यू पावर खरीदी जिसका नाम था रोबो एक्स एंड द वाइट रेसर। उसने जब वो खरीदा तो उसने रोबो वाला नहीं पहना, सुपर डिसलोकेटर ओके, और तब वो उधर नहीं बन पाया तो उसने बाहर निकला और सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनने का सोच लिया। तब उसको आइडिया आया कि उसको बाइक बननी है तो उसने बाइक बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।